हेलो, आज हम लोग ब्लाउज में हेम काज व बटन लगाना सीखेंगे, मतलब तुरपाई करना सीखेंगे और बटन लगाना। तो ब्लाउज में सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ हेम करते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हेम करने के लिए जितनी धागा है उतनी दूर तक हम नाप लेंगे धागा को, या फिर आप अपने अनुमान से लगा सकते हो। और नीचे पे हेम करने का एक तरीका है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नीचे में डायरेक्ट हेम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये नीचे दिखाई दे रहा है वहाँ से हेम करना स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब ब्लाउज पुरानी भी हो जाएगी तो वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ा अल्टर सा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा नीचे से हेम करना चाहिए। और पूरी हेम कर लेने के बाद हम धागा को खोल देंगे और फिर दूसरे सिरे पे भी बिल्कुल ऐसे ही करके हेम करना है। अब हम लोगों ने हेम कर लिया है, लेकिन अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये तिरछा हो रहा है। तो धागा खोलने के बाद हम लोग इसे खींच कर थोड़ा सा बराबर कर देंगे और फिर ये पूरी तरह से बिल्कुल एडजस्ट भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे कॉर्नर पे हम लोगों को फिर से अच्छे से सिलाई करना है ताकि यहाँ पर कोई गैप ना रहे। नीचे तुरपाई हो जाने के बाद मैं तो ऐसे बाजू पे करता हूँ, तो बाजू को सीधा कर लेना है और फिर बाजू को मोड़कर आप नाखून से या फिर किसी भी चीज़ से वो दाग दे दें। उसके बाद फिर यहाँ भी बिल्कुल छोटे छोटे टॉप्स में तुरपाई करें। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक बाजू को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी बाजू करना है, तो दूसरी बाजू को भी बिल्कुल वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पे वो दूसरी बाजू को करके नहीं दिखाया है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप देख लो। आप देख सकते हैं दोनों बाजू अब पहले से कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हेम किया जाता है। अब हम लोग गले
गले के पास करेंगे। तो गले के पास करने के लिए पाइपिंग को ऐसे मोड़ते हैं और फिर उल्टी तरफ से सुई को डाल के पाइपिंग के मुंह को भी बांध लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को पाइपिंग पे तुरपाई करना चाहिए। गले के पास भी तुरपाई करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इससे क्या होता है ना कि आप जितने तुरपाई करोगे 5 उंगली 6 उंगली तक, तो फिर इसे बीच बीच में सोटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े मोटे हैं इसलिए अच्छे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है, मतलब वो तुरपाई करने से खुद से कितनी अच्छी दिख रही है। जब हमारे गले पर तुरपाई किया हुआ कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग आपको काज लगाना और बटन लगाना ये सिखाएंगे। हमने तुरपाई का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे ये ब्लाउज जो है इसमें एक तरफ बटन लगेंगे और एक तरफ काज लगेंगे। तो बटन लगाना तो सबको आता होगा, लेकिन काज काटना नहीं। तो काज के लिए हम सबसे पहले कपड़े को 3 लेयर मोड़ते हैं, फिर ऐसे ही दाग दे देंगे। इसके बाद हम लोग इसे पेन से दाग देंगे और फिर कैंची से वो कट कर लेंगे। काज करना बहुत ही आसान है और सिर्फ देखने में टफ लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। और बटन लगाना तो सबको वैसे भी आता है, तो हम आपको पहले एक बटन लगा कर दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम काज करके दिखाएंगे आपको। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे बटन लगाने का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम लोग काज लगाएंगे। तो काज लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग काज के नीचे की तरफ से मतलब वो राइट तरफ से एक ड्रिल से वो निकालेंगे बाहर। निकालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले काज के अंदर की तरफ डालेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे और फिर जो बचे हुए धागे हैं उसके बीच में करके उसे खींचेंगे। तो यहाँ खींचने वक्त आपको हल्के से खींचना है, हालांकि आप ज़ोर से जब खींचेंगे तो हो सकता है ये धागा एक दूसरे से उलझ जाए और फिर अच्छी ना बने। और यहाँ पर एक बात इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका पहला टॉप मतलब जितनी दूरी में आप पहली बार वो नीडल को लगा रहे हैं और जितनी दूरी तक वो गांठ हो रही है, ठीक उसके एक सूत मतलब एक सूता के बराबर आगे करें और फिर से मतलब उसे वो खींचें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जितने भी टॉप होंगे कांच के सब एक्यूरेट होंगे, मतलब एक साइज से एक बराबर में होंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हमने वो काज लगाना सीख लिया, बटन लगाना सीख लिया और तुरपाई करना सीख लिया। तो आई होप आपने वीडियो को
बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।